जज थे। जब भी वो ऑफिस से वापस लौटते थे तो तब उनकी पत्नी उनके लिए गरम गरम भोजन तैयार रखती थी। साल के 365 दिन रोज उन्हें गरम गरम भोजन तैयार मिलता था, एक ही टाइम। एक दिन जब वह शाम को भोजन के लिए बैठे तो थाली में गरम भोजन नहीं था। तुरंत उन्होंने उठा के थाली फेंक दी। क्या खाना है? ऐसा खाना खाना होता है? तुमको इतनी भी अक्कल नहीं है? मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो यह फेमस एग्जाम्पल है रॉन्ग थिंकिंग का, कि किस प्रकार से हम समस्या को बड़ी बना देते हैं। सबसे पहले तो उन्हें क्या करना चाहिए था कि जब रोज गरम खाना मिलता था तब उन्हें अपनी पत्नी का धन्यवाद करना चाहिए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। और अगर वो रोज कॉम्प्लीमेंट देते तो पॉसिबल है कि उस दिन क्रिटिसाइज करते तो भी कोई बात नहीं थी। या तो साथ साथ में इसके पीछे का कारण भी ढूंढने की कोशिश करती कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि बच्चे बीमार थे इसके कारण गर्म खाना तैयार नहीं हुआ, या तो उसकी खुद की तबीयत अच्छी नहीं थी और कोई इंपॉर्टेंट रीजन था। आगे भी हमने देखा है कि रॉन्ग थिंकिंग के कुछ उदाहरण, किसी को याद है? हमने रॉन्ग थिंकिंग के दो उदाहरण देखे थे। किसको याद है, हाथ उठाइए एक सेकेंड। किसको? और बस देखिए, आप रिवाइज नहीं करते? रिवाइज नहीं करते ना? अच्छा चलो आप बताइए कौन से दो कारण है। हाँ, टाई वाला उदाहरण सबको याद है? अच्छा हाँ, देखो याद आ गया ना। और दूसरा? नहीं, वो नहीं। दूसरा? दूसरा कौन सा? हाँ, नहीं वो नहीं, रॉन्ग थिंकिंग का। दूसरा कौन सा? एटलीस्ट एग्जाम्पल तो सब याद रहने चाहिए। उसको आप जरा भी लिख देंगे एक शब्द में तो भी वह सारी बात याद आ जाएगी। हाँ, दूसरा कौन सा था? नहीं, वो भी रॉन्ग थिंकिंग का नहीं, रॉन्ग थिंकिंग का उदाहरण। हाँ डॉक्टर सिंह, क्या नहीं, लेकिन दैट वॉज ऑन एटीट्यूड। नहीं, वो भी एटीट्यूड नहीं। रॉन्ग थिंकिंग में क्या कहा? नहीं, दैट वॉज नेगेटिव थिंकिंग। हाँ क्या? नहीं, वो भी नहीं। क्या? राइट थिंकिंग में जो उदाहरण दिए। हाँ जी, हाँ हाँ, वही रॉन्ग थिंकिंग समझते तो राइट थिंकिंग। हाँ, उसमें दो उदाहरण, एक तो टाई वाला और उसके, हाँ नहीं, वो भी तो रॉन्ग थिंकिंग नहीं हुआ ना, वो तो चैलेंज के रूप में लेना। हाँ? नहीं,
एक्सरे स्पेशलिस्ट वाला, एक्सरे स्पेशलिस्ट का कि जो ब्रह्मा कुमारी बहन को मिले तो उसने कहा कि अरे अभी मेरे पास कोई पेशेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ, पड़ोस में दूसरे डॉक्टर ने क्लिनिक शुरू कर दिया है। जो दोनों उदाहरण जो हमने देखे हैं वह रॉन्ग थिंकिंग के हैं। और कईयों को यह आश्चर्य होता है कि भी क्या रॉन्ग थिंकिंग हो सकता है, परंतु जब उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं कि रॉन्ग थिंकिंग क्या है, तब वह समझते हैं कि राइट थिंकिंग और रॉन्ग थिंकिंग का फर्क क्या है। हाँ, राइट थिंकिंग की डेफिनेशन क्या बताई थी? क्या बताई थी? हाँ, राइट थिंकिंग क्या है? परिस्थिति जैसी है, अगर 25% प्रॉब्लम है तो 25% ही हम उसको देखें। तो ये सारे जो कुछ उदाहरण थे मैग्नीफाइंग के। दूसरी बात है रॉन्ग थिंकिंग की, कि कईयों की ऐसी भूमिका होती है या तो ऐसी मन की स्थिति होती है कि जिसे ऑल या नॉन थिंकिंग कहते, वो सिर्फ एक्सट्रीम में देखते हैं। अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी लगती है, और कोई व्यक्ति बुरा लगता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उनके लिए जीवन में दो ही कलर होते, ब्लैक एंड व्हाइट। उनके लिए कोई कलर्स नहीं होते, शेड ऑफ ग्रे है अलग अलग, वह नहीं होते। परंतु वास्तव में देखे तो जीवन इट इज अ शेड ऑफ ग्रे, वेरियस कलर्स है। एक यूनियन लीडर थे, वह कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई तो इलेक्शन में हार गए। जब घर आए बोल दिया, अच्छा बोल दिया है, तो यहां पर इसको आप फिट कर सकते उस उदाहरण को कि किस प्रकार से ऑल और नॉन थिंकिंग उसका है कि भाई मैं हार गया तो खत्म हो गया। नहीं मालूम प्रेम भाई ने बोला है क्या दूसरे वे में? हाँ वही वही वही, उसी को मैं उसी बात को फिर हंसने, मैं रिपीट कर हंसने की बात पीछे अभी। पहले तो वह वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हार गए तो उसने समझा आई एम जीरो, आई एम यूजलेस, मेरा मैं कोई काम का आदमी नहीं हूं। तो ये ऑल और नॉन थिंकिंग है कि भी वो कोई यूजलेस नहीं, वो यूनियन लीडर तो है, इतनी सेवा कर रहा है, पुरुषार्थ करेगा तो आगे चल के वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन को जीतेगा भी। और फिर इस बात को हंसाने के लिए जो उन्होंने सुनाया है वह सुना सकते हैं, याद है ना सबको? तो नहीं वो टैक्टफुली, हाँ कि घर में तो वाइस प्रेसिडेंट हो ही, ठीक है अच्छा। और दूसरा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भी उनके लिए यही होता है कि भी या तो परफेक्ट हो या जीरो हो, और जीवन में ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति, हम कितनी ने अच्छी स्पीच प्रिपेयर करे, परंतु जैसे यहां पर आपने जो प्रेजेंटेशन देखे, भल सभी का बहुत अच्छा था, लेकिन किसका भी 100% परफेक्ट नहीं है, इंप्रूवमेंट का स्कोप सभी में है, या तो किसी का जीरो भी नहीं है, सभी का कुछ लेवल पर है। हाँ, आप सब फ्लोर पे देखो जरा, हाँ फ्लोर को देखिए, देखिए फ्लोर को, कुछ प्रैक्टिस करनी है आपको। क्यों नहीं देख रहे? सब नहीं देख रहे फ्लोर को अच्छी तरह से? देखो नीचे, देखो फ्लोर को नीचे देखो। हाँ देखा सबने कि नहीं देखा? अभी भी नहीं देखा, कई लोग ने देख, मैं देख रहा हूं कि आप नहीं देख रहे? अच्छा देख चुके, अच्छा अच्छी तरह से देखा। हाँ कहीं गंदगी है? ये स्पॉट है, अच्छा। हाँ, और कहीं गंदगी है? हाँ तो देखो अभी क्या है कि भी कहीं कहीं थोड़ी सी गंदगी है, यह नहीं है कि भी सारा कमरा गंदगी से भरा हुआ है। तो लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इट इज नॉट 100, सो नेवर हैव ऑल और नन थिंकिंग। और एक जो हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं, जिसको कहा जाता है जंपिंग टू कंक्लूजन, जो टाई वाला उदाहरण है वह इस बात का है कि तुरंत निर्णय पर जंप किया कि वह बात गलत है, उसका प्रॉपर एनालिसिस जो होना चाहिए वह प्रॉपर एनालिसिस नहीं हुआ।
जब भी अभी हम लेक्चर दे रहे हैं, आप में से कोई सो जाता है लेक्चर सुनते सुनते, तो अगर मैं यह सोचूं कि अरे मेरा लेक्चर बहुत बोरिंग है, ये बेचारा ये सो गया है, तो ये गलत है कि भाई एक व्यक्ति सोया है, दूसरे सब तो जाग रहे हैं, और उसको उठाने का भी कोई तरीका करना चाहिए। ये नहीं बोलने का कि क्यों सो रहे हो मेरे लेक्चर में, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है, उससे अच्छा कोई तरीका अपनाना चाहिए। एक गांव में एक संत लेक्चर देने के लिए जाते थे, प्रवचन देने के लिए, तो वहां का एक जो सेठ था वो हमेशा लेक्चर में आता था और वो प्रवचन में सो जाता था हमेशा। तब उन्होंने सोचा भी क्या किया जाए, ये सो जाता है हमेशा। तो उसने एक बार उनको पूछा कि लखीराम सो रहे हो तो जाके, बोलते नहीं 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 सो रहा हूं। तो ठीक है, फिर से लेक्चर शुरू किया तो प्रवचन में 10-15 मिनट के बाद फिर से सो गया। फिर से उसको पूछा लखीराम जी सो रहे हो, तो कहते नहीं नहीं जाग रहा हूं। और थोड़ी देर के बाद फिर से सो गया। तो उन्होंने सोचा कि अभी कुछ युक्ति करनी पड़ेगी, ये मानता ही नहीं है। तो उसको पूछा लखीराम जाग रहे हो, तो बोलते नहीं नहीं। तो ऐसे हमें कंक्लूजन पे जंप करने के बदले कुछ युक्ति अपनानी चाहिए। और इसमें और दो बातें हम करते हैं, एक तो जिसको कहते हैं कि माइंड रीडिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि भी हम दूसरे के माइंड को रीड करना जानते हैं। कि समझो आपको रास्ते में कोई फ्रेंड मिलता है और आपको हेलो नहीं करता है, तो आप उसका मन रीड करने लगते हैं, सोचते हैं कि वो मेरे से बहुत नाराज है इसलिए इसने हेलो नहीं किया। परंतु ऐसी बात नहीं, हो सकता है कि वो बहुत बिजी था या उसको और कोई टेंशन था कि जिसके कारण वो आपको हेलो नहीं कर पाया। और दूसरी एक बात होती है कि हम सभी ज्योतिषी बन जाते हैं, नहीं जैसे ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर जिस प्रकार से कहीं प्रिडिक्शन करता है ऐसे ही हम भी प्रिडिक्शन करते हैं। कि अगर आपको थोड़ा बहुत तनाव है तो आप सोचते हैं कि अरे मैं पागल बन जाऊंगा, और ऐसा सोच सोच करके पागल नहीं होंगे तो भी आप पागल बन जाएंगे। और ज्योतिष के पास भी यही होता है। मेरे पास ऐसे दो पेशेंट आए हैं, दो एक पेशेंट को तो किसी ने उसका हाथ देख करके कहा कि 2 साल के बाद तुमको पागलपन की बीमारी होने वाली है, परंतु वो पेशेंट 1 महीने में ही मेरे पास आ गया। 1 मास में ही वो पागल हो गया और काफी समय उसका इलाज चला। तो ऐसे ज्योतिषी भी नहीं बनना है, प्रॉपरली हम एनालाइज करें, देखिए क्या परिस्थिति है और उस अनुसार जो भी आउटकम हो वो आउटकम को डील करने के लिए भी हम तैयार रहे। और एक जो समस्या होती है जब विभिन्न परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, तब कोई समस्या हमें एक बार होती है परंतु हम यह सोचते हैं कि ऐसा बार बार होगा, सदैव ऐसा ही होगा, जिसे ऑलवेज मेंटालिटी कहा गया है। कि अगर आपने अपनी कार को कहीं आप लेक्चर के लिए गए हैं और झाड़ के नीचे पार्क की है, जब आप वापस आते हैं तो पाते हैं कि पंछियों ने उस कार को गंदा किया है, तो आप सोचने लगते हैं कि पंछी हमेशा मेरी कार को ही गंदा करते हैं, क्या उनको कुछ मेरी कार के प्रति अट्रैक्शन है? परंतु सच पूछे तो वो पहली बार हुआ होगा, आगे कभी भी आपने बहुत बार कार पार्क की थी लेकिन पंछियों ने गंदा नहीं किया था, और ये आपकी गलती थी कि आपको वहां पर कार पार्क नहीं करनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से ये जो ऑलवेज मेंटालिटी है उसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कभी न करें। एक व्यक्ति ने, बहुत ही सीनियर वक्ता थे, उसको एक जूनियर डॉक्टर ने लेक्चर के बाद प्रश्न पूछा, तो डॉक्टर गुस्से में आ गए, क्या इतनी भी अक्कल नहीं ऐसा फालतू क्वेश्चन पूछते हो? तो बेचारा बहुत डर गया और वो जिंदगी में उसने कभी किसी को प्रश्न नहीं पूछा। सोचने लगा कि मैं फालतू आदमी हूं, मुझे क्वेश्चन करना आता ही नहीं है, नहीं? मैं कभी भी क्वेश्चन पूछूंगा तो लोग मुझे ऐसा ही उत्तर देंगे। तो यह भी ऑलवेज मेंटालिटी है।
इस प्रकार से भी हमें कभी नहीं सोचना है कि इसमें आपका दोष नहीं है। हो सकता है कि उस स्पीकर को आंसर नहीं आता था आपके क्वेश्चन का, तो इसलिए उसने उस अनुसार कोई रास्ता ढूंढ निकाला। और एक जो तरीका है कि जिसमें हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं वह है लेबलिंग। हम लेबल लगाते हैं, अपने आप पर भी लेबल लगाते हैं औरों पर भी लेबल लगाते हैं। हम सोचते हैं कि भी मैं तो काम का नहीं हूं, मैं फालतू व्यक्ति हूं। कई लोग अगर एक बार वह किसी से बात करते और वह व्यक्ति उसकी बात को स्वीकार नहीं करता है, कई सेल्समैन में यह बात हो जाती है कि एक बार वह कहीं गए और व्यक्ति ने उनकी चीज को खरीदी नहीं, तो समझते हैं कि भाई मैं किसी को प्रभावित नहीं कर सकता हूं, मैं कभी भी अच्छा सेल्समैन बन नहीं सकता हूं। या तो कभी कोई ऐसी घटना हो गई, कोई आपसे नाराज हो गया, तो सोचते हैं कि भी सभी मेरे से नफरत करते हैं और मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जिसको लोग नफरत ही करते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। तो ऐसे हम अपने आप को लेबल लगाते हैं और साथ साथ में हम दूसरों को भी लेबल लगाते हैं कई बार। कि उदाहरण के रूप में एक असिस्टेंट मैनेजर थे, उनको एक पब्लिक फंक्शन का स्टेज तैयार करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहीं ये प्रैक्टिस तो नहीं थी, तो जो उसके प्रेसिडेंट थे उसके लिए जो प्लेट बनाई वो बहुत बड़ी बना दी और औरों के लिए छोटी छोटी नेम प्लेट बनाई। तो जब ऐसा हुआ तो वह जो उनके प्रेसिडेंट थे वह बहुत डिस्टर्ब हो गए, उसको लेबल लगा दिया कि भी आदमी काम का है ही नहीं, इसको इतना छोटा सा काम भी नहीं आता या कभी भी कोई चीज अच्छी कर नहीं सकेगा, और ऐसा बार बार कहते रहे। परंतु यह याद रखना चाहिए कि हर पल हम परिवर्तित होते जाते हैं, कोई भी व्यक्ति कभी भी सेम नहीं है, वह परिवर्तित होता जाता है। इसलिए कभी भी हम लेबल न लगाए। हो सकता है कि यह यूनियन लीडर का उदाहरण भी आपको बताया गया हो, अगर नहीं बताया है तो मैं आपको रिपीट करता हूं कि एक कंपनी के प्रेसिडेंट थे, उनके पास सवेरे सवेरे यूनियन लीडर आ गया, सेक्रेटरी को आके कहा कि साहब को मिलना है। तो प्रेसिडेंट ने सोचा कि अरे सवेरे सवेरे कोई मांगे लेकर के आया होगा, मुझे बड़ा तंग करेगा, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश की कि कह दो कि साहब अभी बहुत बिजी है, थोड़ी देर के बाद आना। तो वो वापस एक घंटे के बाद आया तो सोचा सचमुच कोई प्रॉब्लम है इसलिए बार बार आ रहा है। तो उसने कहा कि कह दो साहब अभी मीटिंग में है, तो फिर वो चला गया और करीब 7-8 दिन तक दिखाई नहीं दिया। एक दिन जब वो आ रहे थे तो रास्ते में मिल गया, तो उन्हें याद आया कि उस दिन वो आया था, जरूर क्या बात होगी देखूं तो सही। तो उसको पूछा कि भाई तू आया था, क्या बात थी? कहता नहीं साहब वो बात तो हो गई। तो फिर से पूछा कि जरा बताओ तो सही क्या बात थी, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं? तो कहते नहीं साहब वो बात तो हो गई, तो मेरे बेटे की शादी थी, उसका मैं कार्ड देने के लिए आपको आया था, वो कल ही उसकी शादी तो हो गई। तो अब ये जो लेबल लगा करके कि यूनियन लीडर वो खराब आदमी, मुझे तंग करता है हमेशा, उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका है वो हाथ से उनके चला गया। नहीं तो हो सकता है कि अगर उसके बेटे की शादी में जाते तो रिलेशन अच्छे बनते और आगे चल करके वो उनकी बातों को तुरंत मान लेता। तो ऐसे कभी भी हम क्या करें, किसी को लेबल न लगाए। और एक जो नेगेटिव थिंकिंग हम सभी एक रूप से करते हैं वह है सेल्फ पनिशमेंट, कि और किसी की गलती के लिए हम अपने आप को पनिश करते हैं। गांधी जी जो सेल्फ पनिशमेंट करते थे अलग बात थी, वो तरीका हम कभी अपना सकते हैं और वह काम भी करता है कि भी अगर बच्चे पढ़ते नहीं है तो बच्चों को डांटने के बदले, उनको मारने के बदले आप कहो कि भी आप ठीक से पढ़ोगे नहीं तो आज मैं भोजन नहीं करूंगी। आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं। अगर बच्चों का आपसे प्यार है, अगर बच्चों का प्यार नहीं है तो यह टेक्निक काम नहीं करेगी, बच्चे सोचेंगे मरने दो हमारा क्या जाता है। लेकिन अगर बच्चों का आपसे अटैचमेंट है, प्यार है, तो वो सोचेंगे कि भाई मां को तकलीफ हो रही है तो मुझे जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा ठीक है ये भी, परंतु ये सेल्फ पनिशमेंट अलग है।
यह सेल्फ पनिशमेंट ऐसी है कि भाई किसी की गलती होती हम गिल्टी समझते हैं। अगर आपकी बेटी की ए ग्रेड के बदले बी ग्रेड आती है तो आप समझते हैं कि मैं ही बहुत बुरा व्यक्ति हूं, मैं ही ऐसा हूं कि जिसके कारण इसको ए ग्रेड नहीं आई। तो ऐसी बात नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं की, भले आपने तो अपनी ओर से ठीक से पुरुषार्थ किया था। ऐसे ही हर कंपनी में या तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक दो ऐसे लोग होते हैं कि जब कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हो, तो वह सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। और उनको आप इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि हमेशा इसकी ही गलती है, और यह सेल्फ पनिशमेंट भी गलत बात है। और एक जो रॉन्ग थिंकिंग हम सभी करते हैं वह है जिसको कहते हैं सर्चिंग नेगेटिविटी, कि अच्छाई में भी हम बुराई को ढूंढते हैं। यह एक रूप से वही बात है कि जो हमने वो शेयर ब्रोकर का उदाहरण सुना था, वह भी उसने नेगेटिविटी को सर्च किया। और भी एक सर्चिंग नेगेटिविटी का तरीका है कि 1975 में फर्स्ट ईयर साइंस में एक लड़की जो बहुत ब्रिलियंट थी, उसने जब पेपर दिया तो उसके 12 क्वेश्चंस के उसने आंसर गलत दिए थे। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जब वो बाहर आई उसे पता चला कि इसके आंसर मैंने गलत दिए, तो बहुत डिप्रेस्ड हो गई कि अरे रे मेरे 12 क्वेश्चन सारे गलत हो गए, बहुत नर्वस हुई। परंतु जब रिजल्ट आया तो उसे 88 मार्क्स आए थे और वो हाईएस्ट थे उसके क्लास में। तो इस प्रकार से कई बार छोटी सी गलती होती है परंतु उसको हम इतना बड़ा बना देते हैं, नेगेटिविटी को सर्च करके सदैव निराश होते रहते हैं, डिप्रेस होते रहते हैं। और ये सर्चिंग नेगेटिविटी के लिए यह भी कहा गया है कि पिग मेंटालिटी, सुअर के सामने आप मिठाई रखो और गंदगी रखो दोनों पास पास में, तो कहां जाएगा? गंदगी की ओर जाएगा। तो ऐसे ही कई लोगों की पिग मेंटालिटी होती है कि वह बल जीवन में अच्छाई भी है परंतु बुराई की ओर ही उनका माइंड जाता है। और थोड़ी डीपर लेवल पर हम देखें कि रॉन्ग थिंकिंग हम कैसे करते हैं, और ये थोड़ा गहराई से समझने की बात है कि एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा था और बाजू के कमरे में जोर से टीवी चल रहा था, तो उसको पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट करना था, परंतु उसने बहुत सोचा कि ये टीवी मुझे नहीं सुनना चाहिए, ये टीवी में जो पिक्चर चल रहा है उसमें मुझे ध्यान नहीं देना है। और वो जितना ज्यादा सोचता गया उसका ध्यान वहीं रहा। 2 घंटे तक उसने सारी टीवी की स्टोरी जो थी, पिक्चर की स्टोरी उसे याद रही, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा। तो इसको नॉटिंग कहते हैं कि जब कोई चीज को हम फोर्सिबली भूलने की कोशिश करते हैं तो उल्टा ध्यान हमारा वहीं पर जाता है। इसीलिए देखा गया है कि जब हम पूजा भी करते हैं, प्रेयर भी करते हैं, तब ऐसी मेंटालिटी होने के कारण, क्योंकि हम प्रेयर में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, अगर बाजू के कमरे में कोई फोन पे बात कर रहा है तो हमें एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वो बात याद रहती है, क्योंकि हम नॉटिंग करने की कोशिश करते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मन ज्यादा वहीं पर जाता है। परंतु अभी करना क्या चाहिए कि यह नहीं सोचो कि मुझे टीवी नहीं सुनना है या मुझे फोन नहीं सुनना है और कोई चीज देखनी नहीं है, ऐसा नहीं करना है, परंतु यह सोचो कि मुझे करना क्या है। जैसे आपको यह बात कही भी थी कि माइंड कैन गो टुवर्ड समथिंग, माइंड कैन नॉट गो अगेंस्ट समथिंग। तो आप क्या चाहते हैं वह सोचिए। और इसीलिए जो मेडिटेशन का नॉलेज भी हमें बहुत क्यों मदद करता है, क्योंकि मेडिटेशन के नॉलेज में यह बताया गया है कि वी आर ऑल स्पिरिचुअल एनर्जीज, हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है, अ स्पार्क ऑफ लाइट। तो जब लोगों को देखते हैं तो अगर हम उस स्पार्क ऑफ लाइट को ही देखते हैं तो ऑटोमेटिक शरीर से भान है वह दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से सदैव नॉटिंग को अवॉइड करने की कोशिश करें। और एक रॉन्ग जो एटीट्यूड है या तो रॉन्ग थिंकिंग है वह है वाई मी एटीट्यूड,
अधिकतर यह होता है कि आपको कई जो है डॉक्टर से वो कहेंगे कि किसी को भी कैंसर की बीमारी का पहली बार डायग्नोसिस होता है, पता चलता है कि कैंसर हुआ, तो इमीडिएट यही रिएक्शन होता है कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों कैंसर हुआ, पड़ोसी को क्यों नहीं हुआ, मैंने क्या पाप किया था, क्या भगवान को मैं ही मिला और कोई नहीं मिला तो मुझे ही कैंसर हुआ। तो यह भी वास्तव में रॉन्ग थिंकिंग है। भल आपको कैंसर हुआ परंतु आपको पता नहीं है कि आपके पड़ोसी का लड़का ड्रग्स लेने लगा है, वो जो ड्रग एडिक्ट बना है वो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे क्योंकि हमें पता नहीं होता है औरों के प्रॉब्लम्स क्या है, कि जिसके कारण हम समझते हैं कि भी हमारे प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, तो ये कभी भी वाई मी एटीट्यूड ना रखे, ये सोचे कि भी कोई भी कारण से मेरे सामने यह समस्या आई है, औरों की अपनी समस्याएं हैं, और कई बार हमने कुछ ऐसे भी कर्म किए परंतु हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बैलेंस अगर देखा जाए, अकाउंट अगर हम कर्मों का देखें तो वह अकाउंट ऑलवेज बैलेंस हो जाता है। और एक जो पावरफुल टेंडेंसी है जिसको कहते हैं कि डिसक्वालीफाइंग द गुड, अच्छी चीज होती है परंतु उस अच्छी चीज को भी हम डिसक्वालीफाई करते हैं। एक बहन ने अच्छी साड़ी पहनी थी तो उसकी सहेली ने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम कितनी सुंदर लगती हो, बहुत अच्छी साड़ी है। कहती क्या बेकार ये साड़ी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी सास ने प्रेजेंट की थी। उसको उसकी सास पसंद नहीं है तो यह साड़ी भी पसंद नहीं है, मुझे साड़ी तो अच्छी है इसको छोड़ दो, हाँ पहनी क्यों, तो देनी तो पहन ली होगी कि भी कबोर्ड में तो नहीं रखेंगे, परंतु यह सोचे कि भी साड़ी तो अच्छी है, उसमें मैं सुंदर लगती हूं, लेट मी फील हैप्पी अबाउट इट। और कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ये भी बात है कि कई बार कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं तब भी हम सोचते हैं कि चलो ये तो है ठीक है, ये व्यक्ति सिर्फ अच्छा मुझे दिखाने के लिए ऐसा बोल रहा है, ये रियलिटी नहीं है। हम इस चार्ट को देखें कि जैसे आप और चार्ट भरते हैं, परंतु जहां भी ट्रेनिंग देने के लिए जाओ तो लोगों से यह चार्ट भराना, उससे पहले हम यह देखते हैं कि कहा कि भी बुद्धि तर्क को मानती है, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि भी उसको नहीं लिखो भले, ये इस बात को सुन लो, और कोई बात है उसमें चार्ट है, हाँ ये सारे है इसमें जो आपको मैन्युअल दिया है उसमें ये सभी ट्रांसपेरेंसीज है। अच्छा, तो इस बात को समझ लीजिए कि हम कोई ना कोई नेगेटिव तर्क ढूंढ निकालते हैं, वो वास्तव में सही नहीं होता है परंतु हम सोचते हैं कि यह तर्क सही है। जैसे उदाहरण के रूप में मुझे पाप की भावना हो रही है इसलिए जरूर मैंने कोई पाप किया होगा, तो यह गलत बात है कि भी आपने कोई पाप नहीं किया, सिर्फ आपको वो भावना हो रही है, तो ये लॉजिक गलत है। मुझे हिंसा का भाव हो रहा है तो मैं जीवन में कभी भी अच्छा नहीं बन पाऊंगा, ये भी गलत है कि आप अच्छे बन सकते हैं, सिर्फ अभी आपको हिंसा का भाव हो रहा है, इस भाव से आपको अगर मुक्ति मिल जाएगी तो आप जरूर अच्छे बन सकते हो। और जैसे यह मन का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, अलग अलग उदाहरणों में जो बात हमने देखी, परंतु इससे विपरीत भी सही है कि शरीर का भी मन पर प्रभाव पड़ता है, कि जब आप हंसते हैं तो आपको अच्छा लगता है, कभी आप निर्भयता से खड़े हैं गहरे सांस लेते हैं तो मन में भी निर्भयता का थोड़ा अनुभव होने लगता है, ऐसे ही हर बात में। तो इसलिए हम क्या करें कि फिजिकली भी सदैव आत्मविश्वास, निर्भयता, पॉजिटिविटी, सेल्फ एस्टीम, उसके अनुसार शारीरिक क्रियाओं को भी करें। एक प्रयोग भी किया गया था कि जिसमें जो बूढ़े लोग थे 85-90 ईयर्स के लोग, कि जो कभी भी अच्छे कपड़े, क्योंकि उनको घर के बाहर ही नहीं निकलना होता था तो कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, रेयरली साल में एक आध बार कभी बाहर जाते तब पहनते होंगे, और कोई भी जो ठीक से तैयार भी नहीं होते थे, ऐसे लोगों को पहले उनके साइकोलॉजिकल स्केल्स लिए गए तो पता चला कि बहुतों को डिप्रेशन है, बहुतों में
नेगेटिव अप्रोच लाइफ के प्रति है, परंतु अब बस इतना सा चेंज किया कि रोज सवेरे जाकर के उनको तैयार करते थे, उनको अच्छे कपड़े पहनाते थे। और यह सिर्फ छोटा सा परिवर्तन भी कि वो ठीक से कपड़े पहनते थे, अच्छी तरह तैयार होते थे, तो उससे भी उनके डिप्रेशन में फर्क आने लगा। तो जो शारीरिक स्टेट है उसकी भी माइंड पर इफेक्ट होती है, तो इस बात पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यह जो चार्ट है राइट थिंकिंग का, कि इसको आप जरूर भरें, क्योंकि भल हमें कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है अधिकतर लोगों को, परंतु फिर भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती है कि कभी हम नर्वस हो जाते हैं, कोई बात में अपसेट हो जाते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन लगता है, नेगेटिव विचार आते हैं। तो इसलिए अगर आप थोड़े दिन भी इस चार्ट को भरेंगे तो राइट थिंकिंग जो एक्शन में हम लाना चाहते हैं वह एक्शन में आ जाएगा। और इस चार्ट में क्या भरना है, फर्स्ट कॉलम में आप ये लिखो कि आपके सामने दिन में कितने प्रॉब्लम आए, कि किसी ने आपको पूछा नहीं, या तो आपके बॉस ने क्रिटिसाइज कर दिया, या तो फ्रेंड ने आपको देख करके मुस्कान नहीं दी, या तो जो भी प्रॉब्लम हो, बड़े प्रॉब्लम भी सामने आ सकते हैं कि भी बैंक में गए तो आपको बहुत देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा, जो भी बातें हैं वह सारे एक और आप प्रॉब्लम लिखिए। हो सकता है तो भी दिन में दो तीन बार भी जब जब टाइम मिले इसको लिखिए, और फिर सेकंड में लिखिए कि वो प्रॉब्लम के कारण आपको फीलिंग क्या आई, कि ये प्रॉब्लम हुआ उसके कारण मैं नर्वस हो गया, या तो मुझे बदले की भावना आई, मुझे गुस्सा आ गया, क्या फीलिंग आपको हुई, वो फीलिंग भी वहां पर लिखिए। फिर थर्ड कॉलम में जो अभी ये मैंने आपको 10 प्रकार बताए कि 10 रूप से हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं, तो उसमें कहां पर आपने जो रॉन्ग थिंकिंग किया वो फिट होता है, कि आपने मैग्निफाई किया, या आपने ऑलवेज मेंटालिटी की, आपने नॉटिंग की, क्या किया, उसको एग्जैक्टली लिखिए। हो सकता है कि एक चीज नहीं जो आपने किया, उसमें दो तीन भी रूप से आपने रॉन्ग थिंकिंग किया, तो वह भी वहां पर नोट करिए। और फिर लास्ट कॉलम में यह लिखिए कि सचमुच राइट थिंकिंग क्या होना चाहिए था, इस परिस्थिति में भी अगर मैं राइट थिंकिंग करता तो क्या राइट थिंकिंग होना चाहिए था। और फिर अपने आप को वह पक्का कराइए कि सचमुच मैं सदैव ऐसे ही राइट थिंकिंग करूंगा, मैं कभी भी रॉन्ग थिंकिंग नहीं करूंगा। फ्यूचर में परिस्थिति आएगी, हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आए या और कोई भी परिस्थिति आए, इससे भी विकराल परिस्थिति आए तो भी मैं राइट थिंकिंग करने वाला हूं। आप अलग अलग रूप से कल्पना करिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसमें कैसे आप राइट थिंकिंग करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर आप अच्छी तरह से इन बातों पर ध्यान देकर थोड़ा चिंतन करेंगे और ये जो चार्ट है उसे भरेंगे, तो डे बाय डे आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस कम होता जाएगा और जो मेंटल स्टेट है वह भी इंप्रूव होगी। धन्यवाद। ओम शांति। एक दो प्रश्न ब्रेक करना है 5 मिनट, ठीक। हाँ, एक दो प्रश्न है किसी को? हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछना है? Have any studies been conducted about personality or behavioral changes or attitude transformation? अच्छा, मतलब स्टडीज तो कहीं हुई है और बहुत हाँ परसेंटेज पे भी मेनली जो है ना, जैसे कहते भी साइंस को क्वांटिफिकेशन चाहिए कि जो दिखना चाहिए, तो मेनली जो चीजें हुई है बिहेवियर थेरापी पर हुई है, कि जो इजी भी है बिहेवियर चेंज करते, जैसे मैंने आपको डिसेंसिटाइजेशन की बात कही थी, ऐसी टेक्निक्स की जो ऑब्जर्वेबल है उस पर अधिकतर स्टडी हुई है। राइट थिंकिंग को कॉग्नेटिव थेरापी भी कहते हैं, तो कॉग्नेटिव थेरापी पर भी रिसर्चेस हुई है कि कैसे कॉग्नेटिव थेरापी से एंजाइटी लेवल है वो कम होता है, जिनको डिप्रेशन था उनमें भी कैसे कॉग्नेटिव थेरापी हेल्प करती है। यहां तक भी स्टडीज है कि कॉग्नेटिव थेरापी साइकोसिस या तो जो सिजोफ्रेनिया मेनिया इस प्रकार की बीमारियां हैं जिसे हम पागलपन कहते हैं, उसमें भी कॉग्नेटिव थेरापी कुछ हद तक परसेंटेज में हेल्प करती है।
और एकाध कोई प्रश्न हो? ठीक है, हाँ। तो नो नो, इट इज ट्रू। जो एक बात है वो दो तीन रूप से भी आप कह सकते हैं कि इसने मैग्निफाई भी किया, इसने ऑलवेज मेंटालिटी भी की, इसने गुड को डिसक्वालीफाई भी किया। अगर आप देखेंगे ऐसी किताबों में, और ये भी हमें करना चाहिए आगे चल के, हम आपको और भी, जैसे हमारा भी डेवलपमेंट हो रहा है, जिन्होंने आगे ट्रेनिंग ली थी उन्होंने वो जज कर पाए होंगे कि भी एवरी टाइम वी आर इम्प्रूविंग लिटिल बिट। तो और जो एक इम्प्रूवमेंट की बात है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे स्मार्ट ट्रेनिंग में, या तो जब मास्टर ट्रेनिंग करेंगे, तो आपको हम 8-10 सिचुएशन भी देंगे कि भी ये सिचुएशन में इसने क्या किया, किस प्रकार से रॉन्ग थिंकिंग की। और वह रॉन्ग थिंकिंग एक नहीं, दो तीन जो है इसके मेथड्स ऑफ डूइंग रॉन्ग थिंकिंग, उसमें भी वह बात फिट हो सकती है। ठीक है, तो अभी ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, इट्स पार्टली लिटिल बिट ऑफ कॉग्निशन। हाँ, क्या ब्रेक चाहिए आपको? 5 मिनट ब्रेक कर दे, इन 6 बजेंगे, 6 बजेंगे। अच्छा, जल्दी है, अच्छा ठीक है। हाँ, खड़े होना है तो हो जाइए, खड़े हो जाओ, स्ट्रेच करना है, पैरों को भी कुछ करना है। हाँ, किसको उठना है तो भी उठ दे, 2 मिनट अगर आवश्यकता है तो, फिर बीच में नहीं उठना। अच्छा चलो, इसमें एक बात रह गई, वो आपको कराता हूं। एक एक्सरसाइज है जिससे आपका स्ट्रेचिंग भी हो जाएगा कि विच शुड बिकम अ पार्ट ऑफ राइट थिंकिंग। हाँ, भले बैठिए एक सेकेंड, कि यह जो एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज से हम यह बता सकते हैं कि कैसे थॉट से एक एनर्जी लेवल या तो ऑरा भी बनता है, और वह ऑरा सच है, वह सिर्फ कल्पना नहीं है, वह इस एक्सरसाइज से पता चलता है, वह हम राइट थिंकिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। और अभी इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, और वो कहां हो रहे हैं वो आप पता करिए। प्लीज बोलो, नहीं गलत भी कर रहे हो, ऐसे थोड़ी बोला, ऐसे बोला है। हाँ जी, हमने कैसे करके दिखा रहा हूं फिर भी गलत कर रहे हो। ऐसे करना है। हाँ प्लीज, आप बोलिए, नहीं तो फीलिंग नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें कंक्लूड करनी है, इसलिए करा रहा हूं। अच्छे से फील करो कि कहां पर आपको वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। हाँ प्लीज बोलो, नहीं एक सेकंड, अभी पता कर लो कि कौन सी उंगलियों में भी कौन से स्थान पर आपको वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। अच्छा ओके, अब अपने पार्टनर को बताओ, सिर्फ एक व्यक्ति दूसरे को बताए कि भी आपको कहां हुआ, जैसे मुझे यहां हुआ या यहां हुआ, यहां हुआ, कहां फील हुआ। और फिर आप पार्टनर भी पता करें कि सचमुच उसको भी वही हुआ। नहीं समझे तो हमको बताओ ना। 6 बजे? नहीं, 6 बजे बोला है। जैसे मुझे यहां हुआ, अगर सचिन भाई को भी वही वाइब्रेशन हुआ है तो इट मीन्स देर इज सम लॉजिक बिहाइंड इट, एक कोई कल्पना नहीं है। हाँ? बात कर हुआ। हाँ? कौन कौन कहते हैं कि भी जहां आपको वाइब्रेशन हुआ वहीं पर आपके पार्टनर को भी हुआ? हाँ, शायद सभी ने ठीक से नहीं, मतलब कईयों ने ठीक से किया नहीं होगा। अभी बता भी रहे तो उसमें ऑलमोस्ट 75% के हाथ ऊपर है, जब ठीक से करते तो 90% के हाथ। आप लोगों ने तो आवाज किया और ठीक से नहीं किया। जब कंपनियों में वो लोग साइलेंटली करते हैं, उनको इतना इंथ्यूजियाज्म होता है कि देखे क्या होता है, तो 90% के हाथ ऊपर होते हैं कि हमें जहां फीलिंग हुई वहीं हमारे पार्टनर को भी फील हुआ। या प्लीज सिट। लॉजिक ये है कि भाई ये जो ऑरा, हमारे ऑरा से जब वो एनर्जी बाहर आती है, एंड दैट एनर्जी कैन बी पिक्ड अप बाय अनदर पर्सन ऑल्सो एट द सेम लेवल,
ऐसे और भी बहुत सारे प्रयोग है कि जिसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। ओके, तो ये बीच में कहीं भी करा लीजिए, जैसे राइट थिंकिंग की बातें है, शुरुआत में भी आप कर सकते हैं या एंड में कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार का एक कंक्लूजन हो। ओके, या स्लाइड प्लीज। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट स्लाइड नहीं बोलो, कुछ आपस में अंडर, जैसे अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ऐसे ऐसे करता हूं तो वो चेंज कर देते हैं स्लाइड को, या तो ऐसे करने से वो पीछे बैकवर्ड जाते हैं। तो आप कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो आपके साथ जो यूज कर, और जो व्यक्ति आपकी ट्रांसपेरेंसी को कर रहा है वो भी अगर स्मार्ट है। ओम शांति। Thank you.
ओम शांति।